श्रीमान एडीजी महोदय, आईजी महोदय, डीएम महोदय, डीआईजी महोदय द्वारा किया जा रहा है। शुभारंभ किया गया है। इसमें दिन में कुछ कार्यक्रम किए गए थे और आज अभी शक्ति मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है। शारदीय नवरात्र का आज प्रथम दिन है। ये इसी प्रकार का कार्यक्रम पूरे 6 माह के लिए चलना है। वासंतिक नवरात्र पर इसका समापन होगा। इस दौरान महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा से संबंधित सभी कदम लिए जा रहे हैं। इसमें महिला हेल्प डेस्क का प्रत्येक थाने पर बनाया जाना, एंटी रोमियो स्क्वाड का प्रत्येक थाने में एक्टिवेट किया जाना, जिला स्तर पर हर महिला की कंप्लेंट की सुनवाई के लिए महिला सहायता प्रकोष्ठ के द्वारा महिला हेल्पलाइन के रूप में कार्य करना, हमारी जितनी भी पावर लाइन है 1090 181 112 1076 इत्यादि सभी हेल्पलाइंस के बारे में प्रचार प्रसार किया जाएगा। हमारे जो भी वॉलंटियर्स हैं उनका सहयोग लिया जाएगा। साथ ही पुलिस की जो महिला कर्मी हैं वो सभी महिलाओं की समस्याओं को प्रतिदिन सुनेंगी और गांव-गांव तक ये अभियान चलाया जाएगा। तो इस तरीके से आज की ये शुरुआत यहाँ की गई है। उसमें पहले दिन ही हमने शक्ति मार्च रखा है जो नेताजी सुभाष चंद्र चौक से यहाँ से प्रारंभ होगा और इसमें हमारे महिला कॉन्स्टेबल्स और सभी अधिकारी इसमें भाग लेंगे। महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए पहले तो मैं योगी सरकार और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो कि महिलाओं के लिए कुछ मिशन को शुरुआत किए हैं और महिला सुरक्षा मिशन जो चला है इससे मन में प्रसन्नता भी हुई है कि महिलाओं को जागरूक करने का, आत्मनिर्भर बनाने का ये जो मुहिम है ये एक अच्छा कदम है हमारी सरकार का और पुलिस प्रशासन का भी। सबको धन्यवाद भी करती हूँ इससे कि महिलाएं जागरूक होगी, शिक्षित होंगी तो अपने बच्चे को वो एक गुड माहौल दे पाएंगी, समाज को एक अच्छी सोच दे पाएंगी जिससे हमारा समाज विकसित होगा और हमारे देश का कल्याण होगा। थैंक यू। आज मिशन शक्ति स्टार्ट हुआ है, क्या कहना है, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना है? बहुत अच्छा लग रहा है, महिलाओं को आगे आने का मौका मिल रहा है। हर क्षेत्र में हमारी महिलाएं बढ़ रही हैं, पुलिस प्रशासन हो चाहे अंतरिक्ष में हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे राजनीति हो, और महिलाओं को आगे स्वावलंबी बनाने के लिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार आदित्यनाथ योगी जी ने ये बनाया है, ये हमारी महिलाओं के लिए सकारात्मक कुछ पहल लेके आएगा। हमारी सुरक्षा के लिए देखते हुए महिलाओं को आगे आना होगा और हम सब महिलाएं मिलकर के पुरुष की बराबरी कर सकते हैं, ये आज हम उपदेश देना चाहते हैं।